हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पहले तो मिली इन कबूतर लोग से। जहाँ पे हम किराए से रहते हैं उनके घर मालिक ने, मतलब वहाँ के घर मालिक ने इनको पाला है। यहाँ पे बहुत सारे कबूतर से देख सकते हो, मैं छत में हूँ अभी। सो बात पे आते हैं, कल संडे था, कल फ्री था दोपहर को। सो मुझे कमीशन वर्क ड्रॉ करना था, साथ में मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली एंड मैंने बहुत ही स्मूथ ड्रॉ किया कमीशन वर्क। सो आप लास्ट तक देखते रहिए वीडियो। एंड आपसे एक बात कहनी थी, मैंने देखा कि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं यूट्यूब पे जो एक्यूरेट ड्रॉ नहीं कर पाते, अभी सीख रहे हैं। अभी मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेकार है, सीख रहे हैं अभी, जो बाद में जाके बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट बनेंगे। वो एक्यूरेट अभी ड्रॉ नहीं कर पा रहे, बट उनके वीडियोज़ पे 200 300 400 ऐसे लाइक्स है हर एक वीडियो पे, लेकिन मेरे वीडियो पे 20 30 लाइक्स है। यही रीज़न है कि मेरी वीडियो ज़्यादा लोगों के पास पहुँच नहीं पाती। लाइक्स से पैसे नहीं मिलते यार, मोटिव मिलता है एंड वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचती है। सो लाइक किया करो एंड कमेंट भी किया करो। इसका लाइक क्या मैं सिर्फ 50 करके दिखाओ एंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड कमीशन वर्क को ड्रॉ करते हैं। सो चलिए ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आई से स्टार्ट करता हूँ, जैसे कि हमेशा करता हूँ, मैं अभी भी वैसे ही कर रहा हूँ स्टार्ट आई से। एंड अगर आप फ्री हैंड ड्रॉ करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट टिप आपको बता रहा हूँ, फ्री हैंड ड्रॉ करने के लिए स्टेप बाय स्टेप लेके चलना होता है हमको अपने आउटलाइंस वगैरह। तो सबसे पहले अगर आई बना लेते हो आप, तो सेकेंड आई की डिस्टेंस से देखना पड़ता है कि वो कितने दूर पे है, या फिर आप नोज़ भी ड्रॉ कर सकते हो, नोज़ से जस्ट नीचे रहता है। मैं नोज़ ड्रॉ कर रहा हूँ एंड अब नोज़ से आई की दूरी एंड आई से आई की दूरी ड्रॉ करना है। तो उसका डिस्टेंस लेके फिर सेकेंड आई ड्रॉ करना है। आईब्रो भी साथ में ड्रॉ कर लेते हैं। अब इतना ड्रॉ हो जाने के बाद आप लिप भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन मैं अभी लिप ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं फोरहेड ड्रॉ कर रहा हूँ। फोरहेड की एंड हेयर की आउटलाइन ड्रॉ हो चुकी है, मैं पूरे हेयर ड्रॉ कर लेता हूँ। पहले मैंने लाइट पेंसिल यूज़ किया, उसके बाद मैं डार्क पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। सॉरी अगर आपको नॉइस आ रही होगी, तो क्योंकि अभी मैं बाहर हूँ। एंड फोरहेड में शेडिंग कर लेते हैं, उसके लिए मैंने 2B एंड 4B पेंसिल का यूज़ किया एंड देख सकते हो आप कितनी स्मूथ शेडिंग हुई है ब्लेंडिंग स्टम एंड ब्रश से। अब चीक पे भी वैसे ही शेडिंग कर लेते हैं। अभी मुस्टेज एंड लिप ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, इसके बाद बियर्ड ड्रॉ करेंगे। तो आधा फेस लगभग ड्रॉ हो चुका है। अब इधर इस वाले सीख में भी मैंने स्मूथ शेडिंग करके ब्लेंड कर लिया। सो ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करना है। यहाँ पे नॉइज़ ज़्यादा आ रही है, सो मैं वॉइस ओवर अभी बंद कर रहा हूँ। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।